अब बात मौसम की। मौसम में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जारी बर्फबारी की। तस्वीरों को देखकर लगता है मानो हिमयुग आ गया हो। देखिए हिमाचल प्रदेश के चंबा और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का हाल। सड़कें बर्फ से ढक गई, पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ, पेड़ पौधे, घर बार, होटल रिजॉर्ट, सब बर्फ ही बर्फ। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीर हिमाचल के चंबा जिले के मशहूर टूरिस्ट सेंटर डलहौजी की है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि डलहौजी मानो हिमयुग में पहुंच गया हो। यहाँ जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से हर तरफ सफेद रंग की मोटी चादर बिछ गई है। लगातार हुई बर्फबारी से यहां तापमान शून्य के नीचे पहुंच गया है। टूरिस्ट यहां बर्फबारी का मजा लेने आते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। बहुत ज्यादा बर्फबारी ने टूरिस्टों का मजा किरकिरा कर दिया है। डलहौजी के डायन कुंड में लगभग 4 फीट से ज्यादा ताजा बर्फबारी हो चुकी है। वहीं डलहौजी नगर में भी 1.5 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। इससे कई जगह रास्ता बंद होने से पर्यटकों को घंटों सड़कों पर जूझना पड़ रहा है। प्रशासन के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। बर्फबारी में आवाजाही बनी रहे, इसलिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की है। गंगोत्री माँ गंगा का मायका कहलाने वाले मुखबा, हर्षिल घाटी, यमुनोत्री, खरसाली में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राड़ी टॉप और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुखी टॉप से आगे बंद हो गया है। बर्फबारी से भारत चीन सीमा निलांग मोटर मार्ग पिछले 5 दिनों से बंद है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बीआरओ की मशीनरी किस तरह से बर्फ हटाने के काम में जुटी है। काफी मौसम में गतिविधियां हैं, जिसमें आज बारिश हो रही है और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। इसमें जगह जगह जहां बिजली के प्रॉब्लम्स आ रही है वहां पर कार्य किया जा रहा है, और कुछ रोड्स भी हमारी बर्फबारी के कारण ऊपर क्षेत्र में जहां पर हैवी स्नोफॉल हुआ है वहां पर बीआरओ के द्वारा मार्ग खोलने की कार्रवाई गतिमान है। बर्फबारी अपने साथ कई मुसीबत लाई है। कड़ाके की ठंड, जगह जगह रास्ते बंद, पीने के पानी का संकट, मुसीबतें बेशुमार हैं। चंबा से विशाल आनंद और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो।